आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और विशेष करके हमारे आज के इस मिलन समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके नेता आसाम के होनहार मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, जो हम सब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट परिवार के लोग हम लोग हैं और हम सब के गार्जियन, हम सब के गर्व, मैं उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी, और मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि दिल्ली हम सब की कर्मभूमि है और दिल्ली में आप हम सब के गार्जियन है, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं। और तमाम हमारे राज्यसभा लोकसभा के सांसद, केंद्रीय मंत्री और मेघालय से हमारे बीच मंत्री भी उपस्थित हैं, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं। और विशेष तौर पे दिल्ली को जो हम कर्मभूमि मानते हैं और दिल्ली में रहते हैं, ऐसे आप सब नॉर्थ ईस्ट के परिवार के लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट बंगाल दार्जिलिंग एक गौरवशाली इतिहास रखता है और अनेकता में एकता, यही हमारा मूल मंत्र है। जहां देश के अन्य हिस्सों में हर 20 किलोमीटर पे भाषाएं, बोली और परंपरा बदली जाती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की विशेषता है हर 5 किलोमीटर के ऊपर में आपको नई भाषा, नई बोली, नया खान पान और नया वेशभूषा आपको देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी हम एक हैं और हम सब ने किताबों में पढ़ा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग उसको सिर्फ पढ़ते नहीं है, उसको जीते हैं, ये हमारी ताकत है। और चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, बायोडायवर्सिटी हो, प्राकृतिक सुंदरता हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता हुआ इलाका होने के कारण ट्रेड की जो अनेक संभावना हो या टूरिज्म हो, ऐसे बहुत सारी क्षमता पूरा नॉर्थ ईस्ट रखता है। लेकिन 2014 से पहले का जो भारत 65 साल तक कांग्रेस ने हमको ठगा और हमारी जितनी भी समस्याएं थी उस समस्याओं को कारपेट के अंदर डाल करके रखा गया। कांग्रेस ने हमेशा बांटो और राज करो की नीति हमारे ऊपर थोपी और जो हमारी क्षमता पोटेंशियल थी उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ने नहीं दिया। और भारत से हमको 2000 किलोमीटर दूर है, उतना ही दूर हमको हमेशा रखा। लेकिन हमें ये बड़ा गर्व होता है 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में हमें वो विश्वास दिलाया और हमें वो सम्मान मिला जिसके हम सब लोग हकदार थे। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है सैम पित्रोदा जी की, जो हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के जो एडवाइजर है, सलाहकार है, उन्होंने कहा हम चाइनीज लगते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं हम उनके वंशज है, शायद ये आपने किताब में भी नहीं पढ़ा होगा। हम कनक लता बरुआ के वंशज है, हम लाचित परफुकन की लोचा उनके जो है हम संतान है, हम शंकर देव के संतान है, हम वीर टिकेंद्र जीत की संतान है, हम जितेंद्र चंद्र पाल की संतान है, हम रानी गदायलू की संतान है, हम तिरोक सिंह की संतान है, हम सूरवीर पसालथा की संतान है, हम तोजी मिडिरेन की संतान है, हम तिलोकचंद पोखरेल की संतान है, हम हेलेन लेप्चा की संतान है, हम दलबहादुर गिरी की संतान है। ये हमारे पुरखे रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है नॉर्थ ईस्ट अनेक चीजों में आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले जब 25,000 करोड़ का बजट होता था, आज बढ़कर 1,00,000 करोड़ हुआ है। चाहे वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड हो, पावर हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे टेलीकॉम हो, इन सब में नॉर्थ ईस्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सबसे एक ही निवेदन है, हमारा एक वोट जो हम दिल्ली में देंगे उससे नॉर्थ ईस्ट मजबूत बनेगा, उससे भारत और ताकतवर बनेगा, हमारी एस्पिरेशन, हमारी सपनों को पूरा करेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, हम सब ने मिलकर के, हम तो वोट देंगे ही, बाकी जो भी हमारे साथ हमारे साथी दिल्ली में रहते हैं उन सबको भी हमने प्रेरित करना है कि हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं, उनको वोट करें। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।